Thank you so much for tuning in and welcome to the channel. Please grab a cup of coffee or tea because this is story time. Mine is empty. So on 7th December 2020, मुझे अपने brother-in-law की शादी में जाना था. That was in Jamshedpur. So plan ये था बीकानेर से दिल्ली, दिल्ली से हमें flight पकड़नी थी to रांची और फिर रांची से जमशेदपुर एक cab में. So हम लोगों ने decide किया हम लोग अपनी car से चलते हैं till दिल्ली. और हमारी फ्लाइट थी शाम में 4:30 की. सो ऑन 7 दिसंबर 2020 हम लोग उठे और हम लोग 5 बजे अपने घर से निकल गए. जैसे ही हम लोगों ने रोड हिट की, I was so pumped because the roads were empty and there was no traffic. But little I know, आगे हमारे साथ में क्या होने वाला है. जैसे ही मैंने सिटी क्रॉस की, it was pitch black. और धीरे-धीरे फॉग ने हमें हिट करना स्टार्ट किया. उससे पहले मैंने फॉरकास्ट देखा था, किसी भी दिन पे फॉग नहीं था. So I was pretty optimistic कि आज वाले दिन पे भी फॉग नहीं होने वाला है. थोड़ी ही देर के बाद में वी वर राइट इन द मिडल ऑफ वेरी डेंस फॉग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव इन दैट कंडीशन. इतना तगड़ा एक अचानक से जैसे ही मैं डेंस फॉग के बीच में आया, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से गिर गया. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज स्कैर्ड टू ड्राइव. सीजन ड्राइवर्स जो होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस आई थिंक थोड़ा सा कम होता है एंड आई वाज रियली नर्वस इन दैट कंडीशन. मुझे नहीं पता था किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उस टाइम पे. मेरी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी थी. वी वर ड्राइविंग समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर ड्राइविंग लाइक 15 मिनट्स इन दैट डेंस फॉग आई गेव अप. मैंने पल्लवी से कहा हम लोग साइड में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेट्स पास अ लिटिल टाइम. शायद उस टाइम तक 15-20 मिनट में थोड़ा सा कम हो जाए फॉग. वी स्टॉप्ड आवर कार ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड वी सॉ ऑन गूगल मैप्स दिल्ली पहुंचने का टाइम हो चुका था 2:30. हम लोगों की फ्लाइट थी 4:30 पे. दैट मीन्स वी हैड ओनली 2 आवर्स इन आवर हैंड एंड वी हैड अ लॉन्ग ड्राइव इन फ्रंट ऑफ अस. सो हम लोग रुके और रुकने के शायद 3-4 मिनट में ही 3-4 गाड़ियों का जो काफिला था हमारी साइड से निकला एंड आई वाज लाइक इनके पीछे लगा लेते हैं गाड़ी, देखते हैं कहां तक हमें ले जाते हैं. दे वर लाइक लिटरली गॉट टू अस. हम लोगों ने मैंने गाड़ी उनके पीछे लगा ली. वो हम लोगों को ले गए 30-40 किलोमीटर. 30-40 किलोमीटर जाने के बाद में वो लोग हट गए एंड देन वी वर ऑल अलोन अगेन. धीरे धीरे करके सम हाउ मैंने ऑलमोस्ट लाइक 40 किलोमीटर्स किए. 40 किलोमीटर्स करने के बाद में आई गेव अप अगेन. मुझे बहुत जोर से बाथरूम आ रहा था. सो आई टोल्ड पल्लवी आई नीड टू गो टू वॉशरूम. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. डेंस फॉग था तो मैंने सोचा गाड़ी से निकल के मैं वॉशरूम करके आ जाता हूँ. मैं जैसे ही निकला मुझे बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और विद इन अ मिनट एक बस हमें फुल स्पीड से क्रॉस करके गई एंड आई वॉज लाइक दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी. मैं फटाफट वापस गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने बस के पीछे लगा दी. बस वाला आराम से भगा रहा था अपनी बस को 100 पे और मैं 80 के आसपास उस बस का पीछा कर रहा था. इसी बीच धीरे धीरे दिन भी निकलने लगा था बट स्टिल इट वॉज रियली डेंस टू ड्राइव अलोन. Oh,
वी आर प्रेइंग टू सन गॉड कि भगवान जैसे तैसे कैसे फॉग को हटा दो, वी नीड टू रीच दिल्ली नो मैटर वॉट। जैसे ही 8 बजे, 8 बजते ही फॉग एकदम से गायब हो गया। आई पुट माई फुट ऑन द पेडल और मैंने गाड़ी को भगाना स्टार्ट किया। आई रश द कार एट समवेयर अराउंड 130-140, इजिली मैं ड्राइव कर रहा था उस गाड़ी को। द प्लान वॉज टू टेक द दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे, बट थोड़ी ही देर चलने के बाद में गूगल मैप्स ने मुझे दिखाया देयर वॉज अनदर फास्टर रूट जो हमें 210 पे दिल्ली छोड़ रहा था। जहां जहां मुझे फास्टर रूट दिखा मैंने गाड़ी वहां डाल दी। सो वी वेंट बाय झुंझुनू। जैसे ही हम लोग झुंझुनू के अंदर आए, इट वॉज अ स्टेट हाईवे बट इट वॉज एम्प्टी, इट वॉज 4 लेन एंड आई कुड इजिली क्रूज ऑन समवेयर अराउंड 130। झुंझुनू क्रॉस किया और जैसे ही हम लोग हरियाणा बॉर्डर के अंदर आए, द रोड स्टार्टेड टू बिकम पैथेटिक। सिंगल लेन हो चुकी थी और बहुत ज्यादा खड्डे थे सड़क के ऊपर। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से कहीं हाईवे जैम ना हो, बट समहाउ गूगल मैप्स हमें पता नहीं कौन से रास्ते से लेकर गया। देयर वाज सम, मुझे नहीं पता वो नदी थी या वो एक तरीके से पॉन्ड था, उसके गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स पे था वो। हम लोगों को वहाँ पे बहुत ही छोटा सा रास्ता था, हमें वहाँ से गूगल मैप लेकर गया और सडनली गूगल मैप ने हमें ले जाके जो टर्मिनल का जो रोड था, मेन T3 टर्मिनल का, हमें वहाँ ले जाके छोड़ दिया एंड वी वर ऑन द टर्मिनल रोड। टर्मिनल रोड से ज़्यादा दूर नहीं था दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो हमारे पास में अच्छा खासा 2 घंटा 30 मिनट था हमारे हाथ में। लंच करने के बाद में वी वेटेड फॉर आवर फ्लाइट टू बोर्ड। Airport for your safety, please remain seated and usage of mobile phones are now permitted. Please check your while opening the overhead compartments. Kindly check your seat pocket and overhead compartments for your valuable items such as wallet, passport and electronic devices. Please ensure that you have all your belongings with you. It was a pleasure having you on board today and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact the ground staff. Thank you for flying with AirAsia. हम लोग रांची पहुंचे, सामने ही कैब रेडी थी हम लोगों के लिए। हम लोग कैब में बैठे और जैसे ही मैं कैब में बैठा, आई स्टार्टेड डोजिंग ऑफ, मेरी आंखें बंद होने लगी। सो वी रीच्ड जमशेदपुर बाय 9:30। हम लोगों ने डिनर किया एंड देन आई क्रैश्ड ऑन माई बेड। सो द वेडिंग वॉज ऑन 9th of December और उस दिन हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, हमें मतलब पल्लवी को। सो वी वेंट आउट। Thank you. So
टुडे इज़ द वेडिंग, टुडे इज़ 9th December 2020 एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 4:20 PM. सो हम लोग आज सुबह गए बाहर, हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया, वी डिड अ बिट ऑफ अ शॉपिंग. बट यू नो इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग कि किसी भी नई जगह पे, किसी भी नई जगह के मार्केट को देखना. सो आई फील किसी भी जगह को अच्छे से जानने के लिए या तो आपको उस सिटी के लोकल से मिलना चाहिए या फिर आपको सिटी के मार्केट में जाना चाहिए. सो अभी बस मैं तैयार हूँगा एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द वेडिंग. आई डोंट नो यहाँ पे है क्या, बट पूरी सुबह से यहाँ पे धुआं निकले जा रहा है. लुक्स डेंजरस. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, अ टर्टल नेक टी शर्ट एंड माय टक्सीडो. आई विल सी यू गाइस एट द वेडिंग. द वेडिंग वॉज ब्यूटिफुल और हमें निकलना था अगले ही दिन यानी 10 तारीख को. हम लोग शादी से वापस आए रात में 2:30 बजे और हमारी फ्लाइट थी अगले दिन सुबह 10 बजे की. कैब वाला आया सुबह 5 बजे. सो आई वॉज ओनली एबल टू मैनेज 1.5 आवर ऑफ स्लीप एंड उसके बाद में मुझे वापस से दिल्ली से बीकानेर ड्राइव करना था. सो जैसे ही मैं मॉर्निंग में कैब में बैठा, आई स्लेप्ट ऑफ. सो दिस टाइम वी वर फ्लाइंग एयर विस्तारा एंड हियर इज माई रिव्यू ऑफ एयर विस्तारा. ऑन इकोनॉमी उन्होंने USB पोर्ट दे रखे थे एवरी सीट. मेरी हमेशा कंप्लेंट रही है इंडिगो से, द सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद इंडिगो एयरलाइंस. एयर एशिया की सीट्स कंफर्टेबल है बट देर इज नो लेग स्पेस. एयर विस्तारा द सीट्स वर कंफर्टेबल एंड ऑल्सो द लेग स्पेस वॉज रियली गुड. एंड द आइसिंग ऑन द केक, देर वॉज फ्री वाईफाई ऑन द प्लेन एंड दैट ब्लू माई माइंड. बट द केबिन क्रू वर लाइक मैथ्स टीचर्स, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे. मतलब they were literally scolding people. That was my experience of Air Visara. Really good airlines, but not so good cabin crew. So we left car park somewhere around 2 PM in the afternoon. इस बार हम लोग आ रहे थे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे से. So हम लोग हैं अभी जयपुर और दिल्ली के बीच में. We are going back home today. The marriage was amazing. So if you guys are traveling between Delhi and Jaipur, so the best place for washroom breaks and food is this place, the food street right behind me. This is somewhat like 140 kilometers before Jaipur. So just calculate it how much it is from Delhi. बार जैम और 5 घंटे तक सुसु रोकने के बाद में हम लोग घर पहुंचे. सो द टोटल डिस्टेंस दैट आई कवर्ड वाज 540 किलोमीटर्स एंड दिस वाज माय एडवेंचरस मैरिज ऑफ 2020. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट. प्लीज लाइक इट इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल दैट टाइम डू व्हाट यू लव.